राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं कार्तिक पुनीत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक पुनीत पे। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के बारे में। इन फोन के स्पेसिफिकेशन और लॉन्चिंग डेट और प्राइस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाए। बाकी करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पर जाके ऑल पे क्लिक कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसे की लगी। बाकी करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में। A52 में आपको जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो आपको मिलेगी सुपर एमोलेड विथ पंच होल डिस्प्ले मिलने वाली है। 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड पंच होल डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगी वो 20:9 और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 405 PPI आपको यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जा रही है। उसके साथ ही साथ आप अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन वगैरह की तो डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं इस तरीके का आपको कुछ डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। कलर आपको इसमें तीन कलर मिल जाएंगे, ब्लैक वाइट ब्लू, आपको तीन कलर देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके वेट की तो वेट जो इसका है वो इसका वेट है 187 ग्राम आपको इसका वेट मिल जाएगा, मतलब देखने को मिल जाएगा इस वेट में है ये फ़ोन। और बात करें उसके साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720 का G चिपसेट देखने को मिल जा रहा है आपको यहाँ पे। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा यहाँ पे। और ग्राफिक की बात करें ग्राफिक एंड्रेनो 618 की आपको यहाँ पे ग्राफिक मिल जा रही है देखने को। उसके साथ ही साथ आप बात करें यहाँ पे रैम की तो रैम आपको ये 6 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल देखने को मिल जा रही है, जो कि हम एक्सपेंडेबल करें तो 1 TB एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ बात करें कैमरे की तो कैमरा आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 64 MP का कैमरा प्लस 12 MP प्लस 5 MP के दो कैमरे आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो जो 64 MP का आपको कैमरा देखने को मिल रहा है वो प्राइमरी एंगल कैमरा है, और जो 12 MP का कैमरा है वाइड एंगल कैमरा प्लस 5 MP का जो कैमरा एक माइक्रो कैमरा एक डेप्थ कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें हम इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 32 MP का आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आप 8K वीडियो इजीली आप इससे शूट वगैरह कर सकते हो, 8K वीडियो बहुत ही अच्छे से बना सकते हो आप। ये सारी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है। बात करें बैटरी बैकअप की, बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जा रही है, जो कि मिल रही है आपको 4500 mAh की बैटरी बैकअप मिल रही है विथ प्लस फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि 25W का फास्ट चार्जिंग आपको इस यहाँ पे मिलेगा इसके साथ। उस साथ बात करें इसके ऑडियो जैक की तो ऑडियो जैक यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जा रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ऑन स्क्रीन सेंसर सभी तरह के सेंसर मिल जा रहे हैं, ऑन स्क्रीन सेंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे V11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जा रहा है। और बात करें इसके प्राइस की तो प्राइस आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो 25,000 से 30,000 के बीच में आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल डेट की बात तो नहीं कर सकते लॉन्च की, लेकिन अनऑफिशियली जो पता लगी है रूमर्स के थ्रू वो जो डेट है वो डेट है यहाँ पे आपको जो लॉन्चिंग डेट है वो लॉन्चिंग डेट यहाँ पे है 17 मार्च को लॉन्चिंग डेट है अनऑफिशियली, बाकी पता लग जाएगा 17 मार्च को कि क्या है क्या नहीं। तो सैमसंग गैलेक्सी A72 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसका प्राइस मिलेगा ये मिलेगा आपको 35,000 से 40,000 के बीच में आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा, इस प्राइस के रेट के अंदर मिल जाएगा। ये भी उसी दिन लॉन्च होगा। और इसके बात करते हैं हम डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगी वो 6.7 इंच की सुपर एमोलेड विथ पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेक्ट रेशियो सेम है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे 393 PPI देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में जो चिपसेट है वो दोनों का सेम चिपसेट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर में थोड़ा फर्क है प्रोसेसर। बाकी ग्राफिक की बात करें ग्राफिक भी यहाँ पे सेम है, एंड्रोनो 618 ग्राफिक मिल जा रही है। रैम की बात करें तो रैम भी यहाँ पे सेम मिल रही है, 6 GB रैम मिल रही है, जो कि 52 और 72 दोनों में सेम रैम मिल रही है। एक्सपेंडेबल मेमोरी भी वहीं सेम है और इंटरनल मेमोरी भी सेम है यहाँ पे, ये तीनों चीज़ सेम आपको देखने को मिल जा रही है। बात करें कैमरे की तो क्वाड कैमरा भी देखने को मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, जो कि 64 MP का दोनों में क्वाड कैमरे ही हैं। और ये जो है ये जो इसका कैमरा है क्वाड कैमरा जो 64 MP का 12 MP का प्लस 8 MP का और एक 5 MP का, यहाँ पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। और उसके साथ ही बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा आपको 32 MP का देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अब बात करें हम इसके बैटरी बैकअप की तो बैटरी बैकअप यहाँ पे थोड़ी कुछ ज़्यादा अच्छी मिलती है, मतलब कि 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी विद जो इसका फास्ट चार्जिंग है वो फास्ट चार्जिंग आपको 25W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा साथ में। ऑडियो जैक की बात करें तो सेम ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सभी तरह के फिंगरप्रिंट मतलब सभी तरह के सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो V11 का सेम सिस्टम है। कलर की बात करें तो कलर भी सेम देखने को मिल जाएगा। बाकी डिज़ाइन की बात कर ले तो डिज़ाइन कुछ आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और वेट की बात करें तो वेट आपको यहाँ पे 203 ग्राम मिल जाएगा, मतलब 203 ग्राम का वेट होगा इस फ़ोन का। और कलर की बात करें तो कलर सेम मिल जाएगा, ब्लैक ब्लू वाइट, ये सारी चीज़ें सेम मिल जाएगी। और लॉन्चिंग डेट भी दोनों की सेम है, ठीक है। और बात करें प्राइस में तो प्राइस वो जो था वो 25 से 30,000 के बीच में, और ये 35 से 40,000 के बीच में ये देखने को मिल जाएगा जो पता लगा है। बाकी आने पे ही पता लगेगा, जैसे ही पता लगेगा आपको पता लग जाएगा। बाकी यही थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। We'll be right back.